आप सभी का स्वागत है रवि जोन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम चलते हैं संजन पशु आहार यानी कि संजन फीड के स्टॉल पर, जहां हम जानेंगे कि वो फीड कितना कारगर है और हमारे पशुओं के लिए कितना अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जोन फार्मिंग लीडर में। धन्यवाद जी। पहले तो जो किसान भाई सामने से देख रहे हैं, उन्हें अपना परिचय दें और अपनी कंपनी के बारे में बताएं जी कि आपकी कंपनी कहाँ से बिलोंग करती है और किस तरीके से किसान भाइयों के फेवर में काम कर रही है। जी, सारे जो भी किसान भाई हमें देख रहे हैं, मेरा तह दिल से सारे किसान भाइयों को नमस्कार। जी, अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम है डॉक्टर अविनेश शर्मा जी। मैं पशु चिकित्सक हूं और जो मेरी जो शिक्षा का जो मैंने अध्ययन किया है वो मैंने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान से ही करा है। और फिलहाल मैं अभी जो है अपनी ये संजीन जो कंपनी है, सनटेक फीड जो बनाती है, इसके साथ काम कर रहा हूँ। और ये जो कंपनी है साहब, ये है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया की कंपनी है जी। जो कि पूरे विश्व में कई देशों में, वियतनाम, इंडोनेशिया और म्यांमार और कई सारे देशों में जो है ये काम कर रही है। और कई सारे जैसे दूध पे काम कर रही है, मीट पे काम कर रही है, कई सारे ह्यूमन प्रोडक्ट्स आते हैं इसके। और भारत में जो इन्होंने कदम रखा है, मेनली जो पशुओं की फीड जो है उसको तैयार करने के लिए जो ये एकजुट होके आए हैं, इनका साहब एक मिशन लेके आए हैं ये हमारे भारत के लिए बहुत ही अच्छा, कि ये चाहते हैं कि हम अच्छी गुणवत्ता की फीड तैयार करके, अच्छा दूध का उत्पादन करके, जो हमारे भारत के बच्चे हैं, जो छोटे नवजात बच्चे हैं जिनको हम दूध पिलाते हैं, उनकी सेहत पे कोई फर्क ना पड़े गंदे दूध से। इसलिए अच्छा दूध, अच्छी गुणवत्ता का दूध पैदा करके बच्चों की अच्छी जो है पैदावार, जो पैदाइश जो जिसे हम कहेंगे बच्चों की, वो हो, ये इनका बेसिक मिशन है। हेल्थ ही हो जी, हेल्थ पे जो। तो सर, मार्केट में बहुत सारे नामों से और बहुत फीड है जी, अब किसान भाई ऐसा कैसे सोचे कि वो आपका फीड ले जी? आपका फीड और फीडों से क्यों हटके है जी? मतलब ऐसा क्या कारण हो, अगर देसी भाषा में कहा जाए जी, तो भाई थारा फीड हम क्यों लें जी? जी साहब, मैं बताता हूँ। सर देखो, जो फीड कंपनियां हैं जो कि फीड तैयार करती हैं, ये मुख्य दो तरह की होती है, दो प्रकार की। जैसे एक तो है अपनी देसी फीड कंपनी है, जो कि एक चक्की लगा लो या आप एक मिल लगा लो जो फीड तैयार करते हैं, जिसे हम होम मिक्स के नाम से कहते हैं। एक होती है साहब हमारी ब्रांडेड कंपनी है, जिसे हम मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं, जो पूरे विश्व स्तर पे कार्य करती है। इन दोनों कंपनियों में जी साहब, अब इन दोनों कंपनियों में अंतर ये होता है साहब, इनके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं मल्टीनेशनल कंपनी के, जो भी प्रेस्क्रिप्शंस होती हैं, जो भी इनके स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जो भी मतलब मानक है इनके, जो मानक है वो जो ये लिखित रूप से सरकार से वादा करते हैं उसी रूप पे खरे उतरते हैं। और पूरा पशु का जो है स्वास्थ्य, पशु का जो हेल्थ है उसका ख्याल रखते हैं और दूध पैदावार का ख्याल रखते हैं। मतलब इनका बेसिक मोटिव होता है कि दूध उत्पादन के साथ साथ जो पशु की स्वस्थ रहे, पशु और पशु की हेल्थ पे जो है किसी भी प्रकार का जो साइड इफेक्ट या कोई हानिकारक ये ना हो, ये फर्क है एमएनसी और लोकल कंपनियों में। लोकल कंपनी जो होती है वो जो हमारे जैसे टॉक्सिन्स होते हैं मेजरली, जैसे अफ्लाटॉक्सिन लेवल फीड में आजकल नहीं देखा जाता, लेकिन बहुत ही जल्द गवर्नमेंट जो है एक ऑर्डर निकालेगी जिसमें अफ्लाटॉक्सिन हमें फीड में कंट्रोल करना पड़ता है। तो अभी आज की डेट में जो एमएनसीज हैं मेजरली, वही जो है अफ्लाटॉक्सिन जिसे हम कहते हैं जहर होता है, जो कंट्रोल कर पाती हैं। तो सर, अब एक आता है कि एक अलग से ट्रेड चला है, जो पुराना जो ट्रेडिशनल तरीका था कि भाई खल, चूरी, भूसी ये बस डालते जाओ, छोटा है तो थोड़ा दे दिया और बड़ा है तो कुछ और ज्यादा दे दिया, और जो दूध देने वाला पशु है तो कुछ और ज्यादा दे दिया। लेकिन अब एक नया ट्रेड चला है कि ये जो स्टार्टिंग से बच्चे को ये फीड खिलाना है,
आगे ये खिलाना, ये कहाँ तक सही है और किस लिए सही है? जी देखिए, अगर हम साइंटिफिक तौर से देखें, साइंस के माध्यम से अगर हम देखते हैं जी, तो जो पहले जो था दूध उत्पादन हमारे देश का उतना नहीं था। आप जानते हैं जैसे हमारा देश लाइफ स्टॉक में नंबर वन है, पशुओं की जो संख्या है उसमें नंबर वन है, और दूध उत्पादन में भी एक नंबर पे है हमारा देश। तो जैसे जैसे हमारे जो दूध की उत्पादन है उसको एक नंबर को बरकरार रखने के लिए आजकल क्या है, जो ब्रीड्स हैं, जो हमारे गाय भैंसे हैं, उनका दूध जो है उत्पादन पहले से कई गुना बढ़ गया है। ये किस लिए बढ़ गया है साहब? क्योंकि पहले जो है हम खले तो डालते हैं, तोड़ी डालते हैं, लेकिन वो जो पूर्ण आहार नहीं हो पाता, जैसे मतलब कुछ संतुलित आहार कहा गया, जिसे कुछ खनिज तत्वों की जो जरूरत होती है और शरीर में जो दवाइयों की जरूरत होती है, जो हानिकारक कीटाणुओं को खत्म करने के लिए जो दूध में दिक्कत आती है उसकी जो जरूरत होती है, जो ये जो कंपनियां फीड बनाती है ये पूरा फॉर्मुलेशन स्टिक करती है, जिससे एक पूर्ण आहार तैयार होता है जिससे पशु की शरीर की हर जरूरत पूरी होती है। इसी कारण हम जो है ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पादन ले पा रहे हैं और विश्व स्तर पे एक नंबर पे बने हुए हैं। तो सर, अगर जैसे कोई किसान भाई या फिर कोई आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहे या रिटेलर हो, जैसे भी है, अगर वो कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो कहाँ कांटेक्ट करे? देखिए साहब, जैसे MNC एक कंपनी है, हमारी कंपनी जो है एक पूरा पूर्ण इनका एक नेटवर्क रहता है। जैसे हमारे जो हेड ऑफिस से कंट्रोल होते हैं, वहाँ से हमारे डायरेक्टर साहब रहते हैं, फिर मैनेजर्स रहते हैं, मैनेजर्स के नीचे जो है उप मैनेजर जो रहेंगे, फिर उनके अंडर जो एरिया वाइज मैनेजर रहेंगे, एरिया वाइज मैनेजर्स के साथ जो हमारे टेरिटरी मैनेजर्स, जैसे कि अपना करनाल क्षेत्र देख रहे हैं, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं, कैथल क्षेत्र देख रहे हैं, फिर उनके अंडर जो है हमारे पास सेल्स ऑफिसर रहते हैं, सीनियर सेल ऑफिसर रहते हैं, ट्रेनिंग सेल ऑफिसर रहते हैं, तो एक पूरा चेन बना हुआ है। तो जो ट्रेनिंग सेल ऑफिसर, सेल ऑफिसर्स, मैनेजर हैं, ये हर फार्म पे जाके हमारे किसान भाइयों को जागरूक करते हैं, अच्छी फीड के बारे में बताते हैं, फिर उनके फार्म पे ट्रायल करते हैं, दूध का जब रिजल्ट हमारे फार्म को मिलता है, जब वो उसकी उत्पादनता से प्रसन्न होता है, फिर जाके वो कांटेक्ट करते हैं और इसी प्रकार इसी चैनल के माध्यम से जो है कंपनी तक उनकी रिकॉर्ड पहुंचता है। हम बल्कि फार्मर्स का फोन नंबर, उनका एड्रेस, सारा रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं और फिर उनके फार्म पे टेक्निकल सर्विस, जो डॉक्टर विजिट्स होगी और कई तरह की जो सर्विसेज प्रदान करते हैं और जाके उनका पूरा हेल्प करते हैं। तो सर, आप अपनी कंपनी के फीड के बारे में और किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सारे किसान भाइयों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा, देखो मार्केट बहुत बड़ी है, कंपनियाँ बहुत हैं, लेकिन जो फीड आपके पशु के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए और आपको बदले में अच्छा दूध भी उत्पादन हो, और वही फीड आप इस्तेमाल करिए। और आपको एक बार मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि एक बार, कम से कम एक बार ज़रूर मौका दें और एक बार आप ट्रायल करके देखिए हमारे संजीन सेंटेक फीड से। एक तो इसका प्रमुख कारण ये है कि इस फीड में सर 1% यूरिया नहीं है जी। हमारा प्लांट एकदम ओपन है, कोई भी आके देख सकता है, 1% हम यूरिया इस्तेमाल नहीं करते। ये भारत में केवल एक कंपनी है हमारी जो यूरिया यूज नहीं करती। देखिए, हम किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन जो सैंपल अगर हम फीड का देखते हैं तो कुछ प्रतिशत, आधा प्रतिशत यूरिया उसमें पाया जाता है सभी फीडों में, लेकिन 1% तक तो सरकार ने भी मान्यता दे रखी है। लेकिन यूरिया कहीं ना कहीं पशु के स्वास्थ्य को खराब करता है, इसलिए हमारी कंपनी जो है यूरिया बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही, और अच्छे अनाज से जो है, अच्छी गुणवत्ता वाला जो कच्चा माल है उससे हम लोग फीड तैयार कर रहे हैं। इसलिए आप एक मौका दें, किसान भाइयों से ये गुजारिश करूंगा, आप ट्रायल करिए, खुद रिजल्ट देखिए, अगर आपको अच्छा, आप प्रसन्न होते हैं, उसी में हमारी खुशी है, उसी में हमारी कंपनी का जो एक उद्देश्य है वो पूरा होता है जी। तो सर, आपने किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी और अपने फीड के बारे में बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। साथियों, आपने ये वीडियो देखी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।